पिछले कुछ दिनों में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी ऐसी वीडियो शेयर की है जहां पर बहुत से विरोधी लोग और विरोधी बाबा ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने के अलग अलग तरीक़ों से, मतलब ईसाई लोग लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, कोई कहता है खाना खिलाकर, कोई कहता है चावल देकर, कोई कहता है पैसे देकर और बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक और ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, आप देखकर हैरान हो जाएंगे किस तरीके से परमेश्वर का वचन कितना सच्चा और पवित्र है। वो कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा किया हुआ है और उसी अंधी बुद्धि को लेकर आज जो बाबा लोग हैं और विरोधी लोग हैं ऐसी ऐसी बातें सामने लेकर आते हैं, सुनकर हैरान हो जाते हैं, हंसी भी आती है और कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आप ज़रूर सेव करें, ऐसे लोगों की बुद्धि आप ज़रूर खोलें ताकि आप इस सच्चाई को समझ सकें। क्योंकि जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, किस तरीके से उस बाबा ने कहा कि ये लोग गोली देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। पहले तो ये जाते हैं लोगों के पास में, जब उनको बीमारी होती है तो बीमारी में ये पहले क्या करते हैं कि मीठी गोली उन्हें दे देते हैं वो हमारे देवी देवताओं के नाम से, और जब वो मीठी गोली से ठीक नहीं होते तो उसके बाद में ये करते हैं पैरासीटामोल की गोली उन्हें देते हैं, और जब आधे घंटे में एक घंटे के अंदर जब उनको आराम मिल जाता है तो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने देखो चमत्कार कर दिया और वो लोग तुरंत चंगे होकर यीशु मसीह पर विश्वास लेते हैं। और इस तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। कितनी मूर्खता की बात है, कितनी मूर्खता की बात है। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों का बुखार ही नहीं परंतु बड़ी बड़ी कैंसर की बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं आज तक, वो तक प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है लोगों को। और आज भी बहुत सी गवाहियां आप देख सकते हो, ये पैरासीटामोल की गोली से नहीं होता मेरे भाई बहनों, ये होता है प्रभु यीशु मसीह की पवित्र सामर्थ्य और विश्वास के द्वारा। क्योंकि बाइबल ये कहती है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप हर तरीके की चंगाई और शिफा यीशु मसीह के पास से पा सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने अब प्ले करने जा रहा हूँ और मेरा ये विश्वास है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा ज़रूर देख के जाएंगे और अपने भाई बहनों के साथ और सोशल मीडिया पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर बात करते हैं। ये विश्वास है कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप ज़रूर आगे भी देख कर जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो बाइबल हमें कहती है। इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से इस बाबा ने, जिसका नाम है अनिरुद्धाचार्य और ये एक हिंदू बाबा है और आप जानते होंगे इसे अच्छे तरीके से, किस तरीके से ये बोल रहा है कि धर्म परिवर्तन का ये भी एक तरीका है। मैं आपको बता दूं, क्या कोई वो जो लोग हैं जो मतलब यहाँ पे यूपी में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रहते हैं वो आदिवासी हैं, वो जानवर तो नहीं है ना, वो आदिवासी उन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग हैं वहाँ पर, मतलब इतनी शिक्षा शिक्षित लोग नहीं हैं, वो इतने नहीं हैं लेकिन उन्हें समझ है, उन्हें पता है। क्योंकि जिस समय में आज हम जी रहे हैं, आज शिक्षा हर एक क्षेत्र के अंदर है, आज लोग बढ़ रहे हैं, सिर्फ सच्चाई को जान रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, इसलिए उनका मन परिवर्तन हो रहा है ना कि धर्म परिवर्तन। क्योंकि वो आज तक पिछड़े हुए थे, पिछड़े हुए, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई भी इस तरीके से नहीं थी। तो मिशनरी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे वहाँ पर सुसमाचार लेकर गए, और लोग पता नहीं पहले जो गलत शिक्षाओं में थे, गलत जो रीति रिवाज में बंधे हुए थे, उन्हें जाकर परमेश्वर का पवित्र वचन उन्हें सुनाया गया और उन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। और इस तरीके से लोग वहाँ पर आज बहुत सी संख्या में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं और बहुत से प्रभु को और भी जान रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे गोली देकर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। देखिए, आपने इस वीडियो में सुना होगा इस बाबा के द्वारा इसका कहना है कि पहले तो ये हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं और इन्हें ईसाई बनवाते हैं और फिर ये सब मिलकर हिंदुओं को लड़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह कहा है, किसी से लड़ने के लिए नहीं कहा है, प्रभु ने कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने हमें ये कहा है, उसने कहा तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। और आपको ये देखने को मिलता होगा कि प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वे लोग सिर्फ सताव को सहते हैं, किसी के प्रति विरोध नहीं करते। आज तक आपने सुना कहीं पे किसी विश्वासी ने किसी को मारा, किसी को ये करा वो करा? कोई नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके रास्तों पर चलता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया, ना कि किसी के प्रति लड़ाई झगड़ा और विरोध करना। क्योंकि हम अपने विरोधी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए उनका मन परिवर्तित हो, हम ये प्रार्थनाएँ करते हैं, उनके जीवन में कार्य करे खुदावंत, हम ये प्रार्थना करते हैं।
देखिए बाइबल में हम बहुत सी ऐसी घटनाएं ऐसी बातें पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को छूकर चंगा किया, और बहुत सी बातें ऐसी भी है जहां पर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छूकर चंगाई पाई। आप बाइबल में पढ़ते हैं तो एक 38 साल का रोगी था जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया। वो लकवे का रोगी था, उसका पूरा शरीर लकवा ग्रस्त था और वो बीमार था, 38 साल से वो उसी हालत में पड़ा हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कोई गोली नहीं दी, कोई गोली उसे देकर नहीं कहा कि तू गोली खा तो चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पास जाकर उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और चंगाई उसी वक्त उसके शरीर में एंटर हो गई और वो व्यक्ति अपनी खाट उठाकर चलने लगा। और भी हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत से अंधे व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने आंखें दी, मुर्दों को जिलाया प्रभु यीशु मसीह ने। अब ऐसी कोई गोली तो नहीं है ना कि एक, मैं मान लेता हूँ मतलब इतनी बुद्धि आप लोगों की बंद है तो हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बाइबल हमें यह भी कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन का मुर्दा जिलाया। तो मुर्दा तो कोई गोली देकर हम नहीं जिला सकते। और यही कि प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस पे चढ़ने के बाद में 3रे दिन उसी कब्र कैसे अंदर से निकलकर बाहर आ गए और वो आज भी जिंदा है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर गए थे तो क्या गोली लेकर गए थे? हैरान करती है ना ये बातें। तो प्रभु यीशु मसीह वो जीवता परमेश्वर है जो सच्चाई मार्ग और जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के पास जो विश्वास लेकर आता है प्रभु उसके जीवन में कार्य करता है। यीशु कोई गोली नहीं देता, गोली से आप अगर इलाज पाओगे तो चंगाई चली जाएगी वापस, लेकिन जब यीशु मसीह आपको चंगाई देता है, किसी चीज़ के लिए छुटकारा देता है और आप यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हो तो वो चंगाई सदा की है, वो स्थिर है, वो बीमारी फिर नहीं आती, वो रोग फिर नहीं आता, क्योंकि वो चंगाई परमेश्वर की ओर से है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ये सब बातें जो आप देखते हो, ये बाबा लोग, ये तरह तरह की बातें जो आज मसीह लोगों को जो देख कर अपवाद फैलाया जा रहा है, तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, ये सब झूठ है, क्योंकि आज तक इन बातों को कोई प्रूफ नहीं कर पाया और ना ही कभी कर पाएगा, और ये परमेश्वर का काम है और ना इसे कोई रोक पाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी अन्य जाति से ये वीडियो देख रहे हैं, आप किसी धर्म या जात से ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में किसी का धर्म और जात परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इसलिए इस जगत में आया कि मनुष्य के पापों को लेकर वो क्रूस पे मरे और मुर्दों से 3रे दिन जी उठे, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आज आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं, रोग बीमारी हैं और आप एक अशांति का जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ही वो शांति है जो आपके हृदय में आना चाहता है। विश्वास करें, आज ही घुटनों पर आएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करके आपका जीवन परिवर्तित कर सके और आप एक शांति के साथ, एक आनंद के साथ आप अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिता सकें। लेकिन वो शांति आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताव उठाने के साथ ही मिलेगी। आज आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव तो होगा, लेकिन आपके हृदय में वो शांति रहेगी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके और मेरे साथ होता रहे। गॉड ब्लेस।